लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आई नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन यादव 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके चलते उनके उत्तराधिकारी यानी नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए सेना अध्यक्ष की रेस में लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी सबसे आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आने और दीवार गिरने की अलग अलग घटनाओं में से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को भारी बारिश के बाद पुणे और आसपास के क्षेत्रों के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इधर शहर के कई तहसीलों में स्कूल कॉलेजों में गुरुवार को छुट्टी कर दी गई है। पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चौकसी पर मोदी सरकार जल्द ही शिकंजा कसेगी। दरअसल एंटीगा और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चौकसी धोखेबाज है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे गैस्टन ने कहा कि उन्हें चौकसी की करतूतों के बारे में बहुत जानकारियां मिली हैं। इमरान खान आतंकी हाफिज सईद की मदद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र से खूंखार आतंकी हाफिज सईद के खर्चे पानी के लिए बैंक से 1.5 लाख रुपए निकलवाने की इजाजत मांगी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हाफिज के खाते सीज कर दिए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान की गुजारिश पर हाफिज को अकाउंट से पैसे निकालने की आंशिक मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक दिन की स्थिरता के बाद फिर वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में गुरुवार को पेट्रोल 6 पैसे जबकि डीजल 7 पैसे लीटर महंगा हो गया है। तेल विपणन कंपनियों ने एक दिन की स्थिरता के बाद फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। पाकिस्तान इन दोनों अरब सागर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहा है। इसमें पाकिस्तानी नौसेना के कई युद्धपोत और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। पाक नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने भी अपनी पश्चिमी सीमा पर जंगी जहाज और सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी द्वारा कश्मीर पर की गई बेतुकी मांग पर भारत ने नाराजगी जताई है। विपक्षी लेबर पार्टी ने बुधवार को एक आपात प्रस्ताव पारित कर पार्टी के नेता जेरमी कोरविन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक को कश्मीर में लाने और उसके लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने के लिए कहा, जिस पर भारतीय समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने इसकी आलोचना की और करारा जवाब देते हुए इसे गलत विचार पर आधारित और भ्रामक जानकारी बताया। शाजापुर केस में गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सफाई आई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का दावा है कि चिन्मयानंद बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्होंने अपनी सदस्यता को रेन्यू नहीं कराया था। इंडोनेशिया के पूर्वी मालुकू प्रांत में गुरुवार तड़के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, लेकिन सुनामी की चेतावनी नहीं जारी की गई है। इस दौरान किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.8 मापी गई है। 2 साल पहले ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी करने वाले संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेज दिया है। पहली बार किसी इस्लामिक देश से कोई एस्ट्रोनॉट पहुंचा है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2021 में रवाना होगा। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।